नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार के वासियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो है वसई विरार मनपा के नालासोपारा प्रभाग समिति ब अंतर्गत प्रगति नगर हाई टेंशन रोड पर अवैध रूप से बनाए जा रहे चालीनुमा रूम पर तोड़क कार्रवाई का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, तो एक बार फिर से गौर से देखिए इस वीडियो को। चलिए ठीक है, हम ही आपको बता दें, यह एक सामान्य तोड़क कार्रवाई है जो कि प्रभाग समिति ब के अतिक्रमण विभाग द्वारा अंजाम दी गई है। लेकिन इस बार की तोड़क कार्यवाही में कार्रवाई करने वाले मनपा अधिकारी कर्मचारी ने ना ही बुलडोजर मंगवाया, ना ही हथौड़ा मंगवाया, बल्कि हाथ में पाइप लेकर यह तोड़क कार्रवाई की गई। अब आप सोचिए, वसई विरार में ऐसी ऐसी जगह भूमाफियाओं द्वारा चालियों का निर्माण करवा दिया जाता है जहां बुलडोजर को लेकर जाना भी बेहद मुश्किल है। खैर, यहां बुलडोजर नहीं जाने के पीछे एक बड़ा कारण वह है, इन चालियों के ऊपर से होकर गुजरने वाले हाई टेंशन बिजली के तार। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे मनपा कर्मी बड़ी ही सावधानी से इस अवैध बांधकाम को तोड़ रहे हैं। आपको बताते चले, हाल ही में कुछ दिनों पूर्व नालासोपारा के ही वाकनपाड़ा अंतर्गत ऐसी ही चाली पर बोल उतारने गए एक 10 वर्षीय बच्चे की हाई टेंशन तारों के चपेट में आने से मौत हो गई थी। एक बार की देखने में तो मनपा कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह की गई कार्यवाही सिर्फ दिखावा मात्र है। नालासोपारा का प्रगति नगर भूमाफियाओं का अड्डा है, जिन्होंने शासकीय जमीन तक पर अतिक्रमण करते हुए अवैध चालियों का निर्माण करवाया है। इस कारोबार के वैसे तो कई हिस्सेदार है, लेकिन प्रगति नगर की ऐसी दुर्दशा के मुख्य सूत्रधार शंभु गुप्ता, संजय सिंह, विनोद दुबे, जयलाल पांडे, शनि, अनिकेत आदि भूमाफियाओं के खिलाफ मनपा प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, यह सवाल काफी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।